ओके, सो वेलकम बैक गाइस। इन दिस वीडियो वी बी टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ सेंसरी सिस्टम। तो आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सेंसरी सिस्टम को कैसे एग्जामिन किया जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट सेंसरी सिस्टम में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज़ योर रिसेप्टर, वन इज़ योर लाइक ट्रैक्स जो इनकमिंग जो सेंसरी कॉर्टेक्स तक लेके जाता है, एंड द थर्ड इज़ योर सेंसरी कॉर्टेक्स। ओके, सो द सेंसरी रिसेप्टर्स, द असेंडिंग ट्रैक्स और द सेंसरी ट्रैक्स एंड द सेंसरी कॉर्टेक्स, तो ये तीन मिलकर एक सिस्टम बनाता है जिसको सेंसरी सिस्टम बोलते हैं। तो इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए, लाइक वी विल चेक द डिफरेंट सेंसेशंस। ये सेंसेशंस को देखने के लिए वी हैव मेनी इंस्ट्रूमेंट्स। सो फर्स्ट आई विल बी डिस्कसिंग दैट व्हाट आर और इंस्ट्रूमेंट्स। तो इधर ये दीज आर और अपैरेटस। ओके, द फर्स्ट वन हियर इज लाइक दिस इज योर हेयर एस्थेजियोमीटर। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द हेयर एस्थेजियोमीटर। व्हाट इज देयर हियर इज लाइक, इसको जब हम ओपन करते हैं तो हियर, ओके, इससे हम लोग फाइन टच देखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द हेयर एस्थेजियोमीटर। देन व्हाट वी हैव, द सेकंड थिंग विच वी हैव इज द एल्गोमीटर। एल्गोमीटर से हम लोग प्रेशर देखते हैं। ओके, द थर्ड थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज हियर, दिस इज द कंपस। ओके, सो दिस इज फॉर द टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। इसको हम लोग प्लेस करते हैं एंड वी सी द टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। सो वंस द कंपस इज रिक्वायर्ड, तो स्केल भी चाहिए होता है, सो दैट वी कैन सी दैट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। ओके, द फोर्थ थिंग हियर इज पिन। ये जो पिन जो रिक्वायर होता है, दिस इज फॉर द पेन। ओके, तो पेन चेक करने के लिए, सुपरफिशियल पेन चेक करने के लिए वी नीड दिस। देन द फिफ्थ वन इज टू टेस्ट ट्यूब्स, वन आई हैव रिटन हॉट एंड वन आई हैव रिटन कोल्ड। तो इसमें हॉट वाटर रहेगा एंड कोल्ड वाटर रहेगा टू चेक द टेम्परेचर। ओके, एंड then is coins and different like shapes so that he can perceive the stereognosis. Okay, different size and shapes ke. then it is then the next one which we require is the tuning fork. Now this tuning fork se hum log vibration sensation check karte hain. Okay, ki unko vibration perceive hota hai ki nahi hota hai. So these are the apparatus which is required for today. Now I'll be going through the main thing, that is the consent taking एंड इंस्ट्रक्शन। क्योंकि ये जब भी आप कर रहे होते हो तो इसमें सब्जेक्ट की जो आइज होती है वो क्लोज होती है। सो लेट अस स्टार्ट विद द कंसेंट टेकिंग। ओके, तो हेलो, मेरा नाम डॉक्टर वकास है। आपका क्या नाम है? विजय। ओके विजय, तो आज मैं आपके ऊपर कुछ जांच करने वाला हूँ, ठीक है? तो ये जो जांच हम करेंगे इसमें आपकी आँखें बंद रहेगी। ओके, तो सारे एग्जामिनेशन जब भी मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ों का एग्जामिनेशन करूँगा, आपका सारा आपकी आईज क्लोज रहेगी, आंखें बंद रहेगी, और ये डिफरेंट मैं इसमें चीज़ें करता हूँ। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें करने वाला हूँ। एक तरफ लाइक कोई सा भी चीज़ अगर मैं एग्जामिनेशन कर रहा हूँ तो आपको झंझनाहट हो या कोई टाइप की छुअन हो, ये चीज़ आपको महसूस करना है। ओके, और इसमें आपको हाँ या ना बताना है। अगर आपको वो चीज़ महसूस होती है तो आप हाँ बोलेंगे, अगर नहीं महसूस होती है तो आप ना बोलेंगे, ठीक है? तो ये सारे एग्जामिनेशन में आपकी आंखें बंद रहेगी। ऑलराइट, ओके, तो वी विल स्टार्ट विद द एग्जामिनेशन पार्ट। ओके ओके, सो व्हाट आर द प्रिकॉशंस विच आर रिक्वायर्ड। प्रिकॉशंस में पाँच प्रिकॉशंस हमेशा से अच्छे से याद रखना। जो पहला प्रिकॉशन होता है, दैट इज़ कि द सब्जेक्ट्स आइज शुड बी क्लोज। ओके, तो आप सब्जेक्ट को हमेशा बोलोगे कि उसकी आंखें बंद रहेगी, तो आपकी आंखें इसमें ये सारे प्रिकॉशंस में बंद रहेगी। द सेकंड प्रिकॉशन इज़ कि यू हैव टू इंस्ट्रक्ट द सब्जेक्ट कि मैं आपको अभी ये सब चीज़ों से छूऊंगा ताकि वो सब्जेक्ट डरे नहीं तो अचानक से आप अगर उसको मतलब टच करो या प्रिक करो या वाइब्रेशन करो तो ही वोंट बी एबल। तो यू हैव टू इंस्ट्रक्ट ईच एंड एवरीथिंग टू द पेशेंट। जो थर्ड प्रिकॉशन है वो ये है कि वी आर बेसिकली एग्जामिनिंग द अपर लिम, सेंसरी सिस्टम ऑफ द अपर लिम। ओके, तो अपर लिम में हम लोग को डिस्टल टू प्रॉक्सिमल जाना होता है, क्योंकि कोई सा भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी या कोई सा भी अगर पैथोलॉजी होता है तो वो डिस्टल ज़्यादा इफेक्ट करता है, प्रॉक्सिमल कम करता है। मतलब वो यहाँ से स्टार्ट होता है एंड दैट एसेंस अपवर्ड्स। तो यू हैव टू गो फ्रॉम डिस्टल टू द प्रॉक्सिमल। जो फोर्थ है वो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दैट आर द डर्माटोम्स। सो वी विल बी एग्जामिनिंग दिस डर्माटोम वाइज। ओके, सो वी विल बी लाइक कंपेयरिंग दिस विद द डर्माटोम। लाइक सपोज अगर इनका ये जो अपर लिम का जो डर्माटोम है, लाइक अगर मैं C6 इनका देखता हूँ तो साइमल्टेनियसली आई हैव टू कंपेयर दिस विद द अदर हैंड ऑफ C6, ठीक है? तो डर्माटोम से डर्माटोम हम लोग को देखना होता है। C6 अगर राइट हैंड का देख रहा हूँ तो C6 का जो डर्माटोम है वो लेफ्ट हैंड का देखना है।
और कोई सा भी टेस्ट अगर आप कर रहे हैं इसमें, द लास्ट इज लाइक कि यू हैव टू साइमल्टेनियसली कंपेयर विद द अदर साइड. अगर आप मतलब वाइब्रेशन करते हो, वाइब्रेशन में भी लाइक अगर कोई पेन हो या टेम्परेचर हो, कोई सा भी एग्जामिन करते हो, अगर पेन का करते हो, सुपरफिशियल टच कर रहे हो, तो साइमल्टेनियसली यू हैव टू कंपेयर दिस विद द अदर वन. ओके, सो फर्स्ट सेंसेशन विच विल बी एग्जामिनिंग इज द टच सेंसेशन और टेक्टाइल सेंसिबिलिटी उसको बोलते हैं. ठीक है, तो टच के लिए उसका अगर हम लोग सब टाइप्स देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है लाइट टच. ओके, दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज द लाइट टच. देन द सेकेंड वन इज द प्रेशर टच. ओके, प्रेशर टच और सस्टेन टच उसको बोलते हैं. द थर्ड वन इज द टेक्टाइल लोकलाइजेशन. तो ये जो टेक्टाइल लोकलाइजेशन होता है, इसमें हम लोग लोकलाइज करते हैं और बताते हैं कि बताओ कहाँ पे हो रहा है. एंड द फोर्थ वन इज दैट टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन. ओके, जिसको टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं. तो ये फोर सब हेडिंग्स में, सब टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे. तो ये टच को एग्जामिनेशन करने के लिए फर्स्ट आई विल बी प्रोसीडिंग विद द लाइट टच. तो लाइट टच कैसे देखते हैं? तो लाइट टच के लिए वी हैव टू ऑप्शंस. द फर्स्ट वन इज द हेयर एस्थेजोमीटर. ओके, तो ये हेयर एस्थेजोमीटर को जब आप ओपन करते हैं तो हियर यू हैव अ वेरी थिन लाइक, ये बहुत ही थिन हेयर लाइक आपको ये एक प्रोजेक्शन दिखेगा ये. ओके, सो हियर वी गिव अ लो थ्रेशोल्ड टच. ओके, सो दैट ही विल बी एबल टू परसीव अ लाइट टच. द सेकेंड वन इज, या तो जो दूसरा ऑप्शन है वो अगर हेयर एस्थेजोमीटर नहीं है देन यू कैन ऑल्सो यूज़ कॉटन. तो ये कॉटन को एक हल्का सा वो बना के यू हैव टू टच. अब ये कैसे करते हैं, मैं पहले सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्ट कर दूंगा, मैं उनको ज़रूर बताऊंगा. तो देखिए अभी मैं आपके ऊपर जो जांच करने वाला हूँ, ठीक है, तो आई विल बी यूजिंग कॉटन क्योंकि बहुत सारे लाइक उसमें कंडीशंस में हेयर एस्थेजोमीटर नहीं होता है, तो आई एम जस्ट यूजिंग कॉटन. तो अभी आपका मैं ये हाथ की जांच करने वाला हूँ, तो आप ये दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसा एकदम स्ट्रेट रखिए, ठीक है, और मैं इससे आपको छूऊंगा, ठीक है. जब छूऊंगा तो आपको कोई ऐसी छुअन महसूस होगी तो आपको यस बोलना है, ठीक है. तो आपकी आंखें बंद रहेगी जब मैं स्टार्ट करूँगा, तो आप अपनी आँख बंद कर लीजिए. ओके, नाउ आई विल बी बेसिकली टचिंग दिस. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉटन मैं इनको छूता हूँ और मैं इनसे पूछूंगा, मतलब मैं सिर्फ जब टच करूँगा तब आपको हाँ बोलना है, ठीक है. तो इनको कोई छुअन महसूस होगी कि नहीं, वो हाँ या ना में जवाब दे देंगे. ओके, ओके, थोड़ा जोर से बोलिए, हाँ माइक पे आना चाहिए. ओके, 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 ओके. एंड समटाइम्स यू हैव टू मिस लाइक, अगर आप मतलब ऐसा हल्का सा टच नहीं किया, ओके, तो वो भी एक ये चीज़ होता है कि उससे स्किप हो जाता है. लाइक मेनी आर टाइम्स लाइक द सब्जेक्ट और ये सब जो होते हैं वो परसेप्शन को हल्का सा भी परसीव करते हैं. इसमें यू हैव टू आस्क कि आपको ये जो छुअन हो रही है, ये जो मैंने आपको छुआ है यहाँ पे, वो दोनों हाथों में बराबर हो रहा है? ओके, किसी में कम या किसी में ज़्यादा तो नहीं है? तो ये दिस यू हैव टू कंपेयर. ओके, यू हैव टू कंपेयर कि दोनों जो सेंसेशन है वो इक्वली परसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट द लाइट टच. अच्छा, नाउ अप्लाइड एस्पेक्ट इसमें क्या है? अप्लाइड एस्पेक्ट में इट इज़ लाइक कि मेनी अ टाइम्स, ओके, मेनी अ टाइम्स लाइक कंडीशंस विच इज जिसमें लॉस ऑफ टच होता है, दैट इज़ योर लाइक एनेस्थेजिया हो तो उसमें लॉस ऑफ टच होता है, हाइपोथेजिया हो तो उसमें पार्शल लॉस ऑफ टच होगा, ठीक है. एंड देन देर इज़ ऑल्सो कॉजेज हाइपरथेसिया, तो हल्का सा लाइट टच वो आपको ज़्यादा परसीव होता है, ठीक है. सो वी हैव डिस्कस द लाइट टच. नाउ कमिंग टू द सस्टेन टच. ओके, तो सस्टेन टच देखने के लिए या उसको प्रेशर टच जिसको बोलते हैं वो देखने के लिए वॉट वी हैव टू डू, यह इसकी या क्रूड टच भी इसको बोलते हैं, तो इसको देखने के लिए हम लोग को ब्लंट पॉइंट ऑफ द कोई सा भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, या तो पेन है या तो एल्गोमीटर है, तो दैट आई हैव टू लाइक मेक अ टच हियर एंड उनसे पूछना है, सब्जेक्ट से पूछना है कि आपको वो छुअन महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है. तो आप आँख बंद कर लीजिए, अभी मैं एक आप पे फिर से एग्जामिन कर रहा हूँ, आपको हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है. ओके, 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 तो साइमल्टेनियसली बोथ द साइड्स यू हैव टू सी एंड बोथ द डर्मोटोम्स आपको देखना है. अगर सी सिक्स का है तो वो सी सिक्स का, ओके, अगर मैं सी एट का देख रहा हूँ, ओके, ओके, सी एट का डर्मोटोम जा रहा है, तो साइमल्टेनियसली बोथ यू हैव टू सी.
So this was about the sustained touch, okay, या pressure touch. Now the third thing is about the tactile localization. अब tactile localization में what you have to do, इसकी आपको basically इसमें touch करना है, precisely आपको touch करना है और बताना है कि वो touch कहाँ पे हुआ है, ठीक है? तो मैं अभी आपको एक जगह touch करूँगा और आपको बताना है कि वो टच कहाँ पे हो रहा है, ठीक है? तो ये अभी कहाँ पे टच हुआ? यहाँ पे सर. अच्छा, यहाँ पे हुआ. हाँ. ये कहाँ पे टच हुआ? यहाँ पे. अच्छा, तो साइमल्टेनियसली बोथ द साइड्स यू हैव टू टच. ये कहाँ पे टच हुआ? यहाँ पे सर. अच्छा, ठीक है. ये कहाँ पे टच हुआ? यहाँ पे सर. ओके, दोनों इक्वली आपको टच हो रहा है, मतलब बोथ पोजिशन. तो ये आपको द वॉट वॉज इम्पोर्टेंट हियर इज द लाइक टैक्टाइल लोकलाइजेशन, कि वो कहाँ पे लोकलाइज कर रहा है, ओके, टच को कहाँ पे लोकलाइज कर रहा है. द फोर्थ वन इज, ये हम लोग टच का डिस्कस कर रहे हैं, तो वी हैव डिस्कस फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके, लाइट टच, प्रेशर टच एंड ये टैक्टाइल लोकलाइजेशन. नाउ कम्स द टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन. तो टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन में वी रिक्वायर टू थिंग्स, ओके. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा जो डिवाइडर है, ये डिवाइडर और प्लस ये स्केल है, तो वी विल बी लाइक सीइंग हियर कि इनको दो पॉइंट का डिस्क्रिमिनेशन फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? तो अभी आपको बताना है कि आपको दो फील हो रहा है, दो जगह छुअन महसूस हो रही है कि एक जगह हो रही है, ठीक है? तो अभी आप अपना हाथ ऐसे रखें और बताइए कितना हो रहा है. दो. कितना हो रहा है? दो. अच्छा, देन आई हैव टू रिड्यूस द डिस्टेंस. तो अभी मैं डिस्टेंस को थोड़ा रिड्यूस किया, ओके, नाउ आई एम आस्किंग कितना हो रहा है? दो. ओके, और थोड़ा रिड्यूस किया, नाउ आई एम आस्किंग कितना हो रहा है? एक. एक हो रहा है? हाँ. ओके, ठीक है. तो कितना हो रहा है? एक. एक हो रहा है. तो हियर दिस इज ही इज परसीविंग, हालांकि दीज आर टू पॉइंट्स, ओके, बट व्हेन आई एम टचिंग हियर, सो ही इज ओनली परसीविंग वन सेंसेशन, ठीक है? तो इसका अगर हम लोग डिस्टेंस अगर मेजर करते हैं तो दिस इज अराउंड 2 to 3 mm, ठीक है? तो इसको बोलते हैं टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इसकी दो पॉइंट को मैंने लाइक टच किया, तो व्हाई इज ही परसीविंग ओनली वन सेंसेशन? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे क्यूटेनियस सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, दीज आर ओवरलैपिंग, ठीक है ना? तो यहाँ पे लाइक ही विल बी परसीविंग दो के बदले वन सेंसेशन ही विल बी परसीविंग. अच्छा, ये डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? ये डिस्क्रिमिनेशन आपको अगर बैक पे देखोगे तो उसमें आपको फिंगर टिप्स पे इट वॉज 2 to 3 millimeters, बट अगर बैक पे देखोगे तो बैक में इट इज़ अराउंड 7 centimeters, ओके, 65 millimeters या 6.5 centimeters to 7 centimeters. तो आप एक बार ऐसा पीछे घूम जाइए, नहीं नहीं ऐसा, हाँ ठीक है, आप थोड़ा साइड हो जाइए, एक मिनट आप खड़े हो जाइए एक बार, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ उधर, हाँ ठीक है आप, ओके, ठीक है. तो बैक में इफ सपोज आई एम, थोड़ा टी शर्ट आप उठा दो ऊपर, एकदम उठा दो ऊपर, ओके. तो बैक में इफ सपोज आई एम डूइंग दिस, तो हियर आई विल बी रिड्यूसिंग दिस डिस्टेंस, ओके. तो स्टार्टिंग में लाइक अभी आपको कितना फील हो रहा है बताओ? दो हो रहा है. धीरे धीरे आई विल बी रिड्यूसिंग दिस, ओके. अभी कितना हो रहा है? अभी कितना हो रहा है? एक हो रहा है. तो हियर हिज लाइक डिस्क्रिमिनेशन इज, यहाँ पे अगर हम लोग इसको मेजर कर रहे हैं तो दिस कम्स अराउंड हाउ मच, 7 centimeters आ रहे हैं, ठीक है? तो हियर हिज टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एट द बैक इज 7 centimeters और फिंगर टिप्स पे 2 to 3 millimeters होता है, ठीक है? तो इतना ज़्यादा डिफरेंसेस होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ओके. तो दे कैन ईजिली परसीव, मतलब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस भी अगर दो पॉइंट को अगर वो डिस्टिंग्विश करना होगा, दो पॉइंट को परसीव करना होगा, तो दीज फिंगर, ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स जो यहाँ पे होते हैं फिंगर टिप्स में, वो बहुत प्रिसाइसली वो करते हैं. सो इसका एक और एक सिग्निफिकेंस होता है ब्रेली रीडिंग में, जो ब्लाइंड्स होते हैं, तो दे हैव लाइक उनका जो यहाँ पे रिसेप्टर्स होता है वो रीड करते हैं, जो भी ब्लाइंड सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ब्रेली रीडिंग में भी उनका जो रिसेप्टर्स होता है, दे परसीव दिस टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड उसके थ्रू दे रीड, ओके. अच्छा, अभी आप सीधा बैठ जाइए, एक मिनट खड़े हो जाइए. ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए. सो वी हैव डिस्कस द टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ओके. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पेन सेंसिबिलिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे.
तो पेन सेंसिबिलिटी में दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सुपरफिशियल पेन, ओके, या क्यूटेनियस पेन जिसको बोलते हैं, एंड द सेकंड वन इज द डीप पेन, ओके, डीप पेन या प्रेशर पेन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आई विल बी स्टार्टिंग विद द सुपरफिशियल पेन। सुपरफिशियल पेन कैसे देखते हैं, हियर कम्स, एक आपको यहाँ पे पिन लेना है, ठीक है, और वो पिन को हल्का सा यू हैव टू गिव टच, इतना ज़्यादा भी प्रिक करके इंजर्ड नहीं कर देना है, यू हैव टू हल्का सा आपको टच करना है और उसको बोलना है कि आपको हल्के सा दर्द वहाँ पे महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं ये पिन से आपको हल्का सा चुबाऊंगा, ठीक है, आपको बताना है कि आपको वो दर्द महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोनों हाथ आप वैसे कर दीजिए, ओके, ठीक है। तो आई एम गिविंग अ टच हियर, ओके, हाँ, ओके, सी एट डर्माटोम का देख रहा हूँ मैं, हाँ, ओके, हाँ, ओके, हाँ सर, हाँ, ओके, ठीक है। तो ही इज बेसिकली परसीविंग दिस पेन। तो ये सारी चीज़ें हो गई, अब आता है, ये तो हमारा सुपरफिशियल पेन था, नाउ कम्स द डीप पेन। अब डीप पेन के लिए कैसे करेंगे, डीप पेन के लिए मैं आपको अभी थोड़ा सा ऐसा चिमटी टाइप काटूंगा, तो आपको बताना है कि आपको दर्द महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट हियर, मेन जो मसल है वो मसल में यू हैव टू लाइक पिंच, ओके, तो यहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है आपको, हाँ सर, ओके, इसमें, तो इसमें हो रहा है, हाँ सर, ओके, ये हो रहा है, हाँ सर, ओके, ठीक है। तो ही इज बेसिकली परसीविंग द पेन, ओके, डीप मतलब डीप पेन उनको पसीव हो रहा है, और दोनों साइड आपको जो दर्द हुआ था वो सिमिलर था कि किसी में कम हो रहा था किसी में ज़्यादा हो रहा था, नहीं सर, दोनों बराबर था ना, अच्छा ठीक है। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ओके। तो कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें लाइक अगर पेन एबसेंट रहा तो उसको एनल्जेसिया बोलते हैं, ओके, देर इज़ कम्प्लीट लॉस ऑफ पेन। अगर पेन का थ्रेशोल्ड कम हो गया या पेन आपको कम पसीव हो रहा है, सपोज एक हाथ में पेन उतना ही है लेकिन लेफ्ट हैंड में ही इज रिसीविंग लेस अमाउंट ऑफ पेन, ओके, तो उसको हाइपोजेल्सिया बोलते हैं, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस एनल्जेसिया, कंप्लीट लॉस ऑफ पेन, हाइपोजेल्सिया जो होता है वो दैट इज पार्शियल लॉस ऑफ पेन, ओके, एंड देन इज द हाइपरजेल्सिया। हाइपरजेल्सिया इज समथिंग यू नो व्हाट, कि आपको हल्का सा भी अगर टच हो रहा है तो दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन, ओके, हल्का सा भी अगर आपको कहीं से भी ऐसे टच हुआ तो बहुत ज़्यादा पेन पर जो परसीव कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, दैट इज़ हाइपरजेल्सिया, ओके। तो कौन से कंडीशन में हाइपरजेल्सिया मिलता है, दैट इज़ टेप्स डोसलिस, ओके, टेप्स डोसलिस एक कंडीशन होता है, जैसे सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो सिफिलिस होती है, टेप्स डोसलिस, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन का जो परसेप्शन होता है दैट इज़ वेरी मच इंक्रीज्ड, ओके। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पेन, ऑल राइट। तो रिमेंबर दिस ऑल दिस थिंग्स, एंड बहुत सारे लेजन्स भी होते हैं, थैलेमिक लेजन्स होते हैं, उसमें भी पेन पर जो पेन का जो थ्रेशोल्ड होता है, जो परसेप्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, सो द पेशेंट गोज इनटू हाइपरजेल्सिया, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। देन अनदर, देर इज़ अ कंडीशन विच इज़ कॉल्ड एज एलोडाइनिया। एलोडाइनिया इज़ अ कंडीशन, उसमें भी देर इज़ अ लॉट ऑफ पेन, उसको बहुत ज़्यादा पेन इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस अबाउट पेन एंड लाइक पेन एंड टच वी हैव डिस्कस, नाउ कम्स द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में हियर वी डोंट हैव एक्चुअली फैसिलिटीज, सो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज हियर। तो इसमें क्या करते हैं कि हॉट एंड कोल्ड टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं, उसमें एक में वॉर्म हॉट वाटर डालेंगे, दैट इज़ लाइक अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस तक डालते हैं, एंड एक में 35-40, ज़्यादा भी नहीं करना है कि वो इंजर्ड हो जाए, ठीक है ना, बर्न्स हो जाए उसको, सो दैट इज़ लेस देन 40 डिग्री तक करते हैं वो हॉट वाटर, दैट यू हैव टू गिव, एंड कोल्ड वाले में अराउंड 10 डिग्री तक होता है, ठीक है। तो उसको हाउ वी हैव टू गो, वी हैव टू फर्स्ट इंस्ट्रक्ट हिम कि मैं गर्म और ठंडा वो करूँगा, तो आपको बताना है कि बताओ कौन सा गर्म है कि ठंडा है, ठीक है। तो हिज आइज विल बी क्लोज्ड, और आँखें जब बंद रहेगी देन उसको आपको ऐसा टच करना है तो वो बताएगा गर्म, फिर ऐसा टच करना है वो बताएगा ठंडा, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे टच करना है वो बताएगा कोल्ड, फिर यहाँ पे टच करना है वो बताएगा वार्म। तो ये बेसिकली टेम्परेचर सेंसेशन को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस टच हमने डिस्कस किया, देन वी हैव डिस्कस पेन, पेन में सुपरफिशियल पेन, डीप पेन, एंड देन वी हैव डिस्कस द टेम्परेचर, टेम्परेचर में हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। तो तीन सेंसेशंस हमने डिस्कस कर दिया, नाउ कम्स द फोर्थ वन। फोर्थ वन जो होता है उसको वाइब्रेशन बोलते हैं,
ठीक है, तो वाइब्रेशन सेंस दैट वी हैव टू डिस्कस. तो वाइब्रेशन सेंस को डिटेक्ट करने के लिए व्हाट वी यूज़ हियर इज़ अ ट्यूनिंग फॉक. ओके, तो ये यहाँ पे ट्यूनिंग फॉक है. ये ट्यूनिंग फॉक को हम लोग जब स्ट्राइक करते हैं देन वी हैव टू प्लेस दिस ऑन अ बोनी प्रोमिनेंस. तो मैं पहले सब्जेक्ट को बता देता हूँ कि देखिए अभी ये जो हम जो टेस्ट करने जा रहे हैं इससे आपको झंझनाहट महसूस होगी कि नहीं, ये आपको बताना है. ठीक है, बिकॉज मेनी पेशेंट्स डोंट नो व्हाट इज़ वाइब्रेशन एंड ये सब, तो उनको उनकी लैंग्वेज में बताना होगा कि आपको झंझनाहट महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है. ठीक है, तो आप अपना दोनों हाथ ऐसे रख दीजिए. ठीक है, तो मैं आपके हाथ पे ऐसे रखूँगा और आपको बताना है कि आपको झंझनाहट महसूस होती है कि नहीं. तो वाइल स्ट्राइकिंग दिस ये ट्यूनिंग फॉक यू हैव टू प्लेस ऑन अ बोनी प्रोमिनेंस. ठीक है, जिसको स्टैलर्ड प्रोसेस ऑफ रेडियस, उधर पे यू हैव टू प्लेस दिस एंड यू हैव टू आस्क कि आपको झंझनाहट महसूस होती है कि नहीं होती है. ठीक है, तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं स्ट्राइक करता हूँ. अच्छा, एक और एक चीज़ है कि जब बंद हो जाएगी तो आप बोलेंगे कि बंद हो गया. ठीक है, आपको महसूस नहीं हो रहा है तो बोल दीजिए बंद हो गया. ठीक है, ओके, सो आई एम स्ट्राइकिंग दिस. सो साइमल्टेनियसली आई एम कंपेयरिंग विथ माई साइड. ओके, तो उनका जैसे वाइब्रेशन बंद हुआ तो मैं अपने से कंपेयर कर रहा हूँ. इसमें डॉक्टर खुद से कंपेयर करता है, लाइक पेशेंट का अपने वाइब्रेशन सेंस से कंपेयर करता है एंड ही सीज कि वेदर उनका जो वाइब्रेशन सेंस है और जो पेशेंट का वाइब्रेशन सेंस है बोथ आर सेम और नॉट. देन उसके बाद हम लोग सिमिलरली ये साइड भी देखेंगे स्ट्राइक करके. आप यहाँ पे, हाँ बंद हो गया सर. ओके, मतलब हमारा और इसका वाइब्रेशन सेंस दोनों इक्वल है. फिर एक और एक क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको जो झंझनाहट महसूस हुई थी दोनों हाथ में सेम थी? हाँ सर. दोनों इक्वल थी? अच्छा ठीक है. तो दिस वॉज अबाउट द वाइब्रेशन सेंस. रिमेंबर कि वाइब्रेशन सेंस कौन सा कॉर्पस्कल करता है? वो पैसिनियन कॉर्पस्कल्स करता है. ठीक है, वो जो पैसिनियन कॉर्पस्कल्स होता है दे आर बेसिकली डिटेक्टिंग द वाइब्रेशन सेंस. ऑलराइट, सो वी हैव डिस्कस दिस वाइब्रेशन सेंस एंड टेप्स डोर्सलिस इज अ कंडीशन जिसमें वाइब्रेशन सेंस जो होता है दैट इज लॉस. ओके, देर इज लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस एंड पोस्टीरियर कॉलम लेजन होगा. कोई सा भी अगर पोस्टीरियर कॉलम लेजन होगा तो उसमें भी लाइक ये लॉस हो जाएगा. कॉलम एंड एंटीरियर कॉलम जो हमारे असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, तो पेन टेम्परेचर लैटरल कॉलम से जाते हैं और उसमें जो क्रूड टच और सेक्शुअल सेंसेशन होते हैं वो एंटीरियर कॉलम से डिसेंड असेंड होते हैं. एंड जो रिमेनिंग होता है जैसे टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड देन इज़ योर वाइब्रेशन एंड देन इज़ लाइट टच, ये सब जितने भी होते हैं ये सब पोस्टीरियर कॉलम से जाते हैं. ठीक है, सो वी हैव डिस्कस फोर थिंग्स. अब आता है फिफ्थ वाला, दैट इज सेंस ऑफ पोजिशन. अब सेंस ऑफ पोजिशन में क्या चीज़ याद रखना है, यू नो कि सेंस ऑफ पोजिशन में मैं अभी इनको बता देता हूँ कि अभी मैं आपका हाथ जो है, ठीक है, ये हाथ को मैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में करूँगा तो आपको बताना है कि ऊपर है कि नीचे है. ठीक है, जैसे ये अंगूठा है आपका तो इसको मैं ऊपर करूँगा तो आपको बताना है ऊपर है, नीचे करूँगा तो बताना है नीचे है. ठीक है, तो आपको वैसे टाइप बताना है. फिर मैं हाथ को भी ऐसा ऊपर उठाऊँगा तो आपको बताना ऊपर है, ऐसा करूँगा तो बताना है नीचे है. ठीक है, तो आपको आँखें बंद कर लेना है. ठीक है, तो आप बताइए ऊपर है. ओके, नीचे. अच्छा, राइट साइड. राइट साइड जा रहा है. ठीक है, सिमिलरली थंब का भी देखते हैं. थंब में ऊपर नीचे. ओके, लेफ्ट साइड में वी विल प्रोसीड हियर. ऊपर ओके नीचे. ओके, कौन से साइड है? लेफ्ट साइड मेरे. अच्छा, राइट. राइट साइड, वेरी गुड. ठीक है, तो इन्होंने बता दिया दिस इज द सेंस ऑफ पोजिशन. तो इन्होंने वो बता दिया. जो सेकेंड चीज़, एक और एक चीज़ देखते हैं सेंस ऑफ पोजिशन में, दैट इज़ लाइक कि आई विल टेक हिज आर्म. ओके, एंड उसको मैं बहुत देर तक घुमाऊँगा. ओके, बहुत देर तक ऐसे ऐसे घुमा के एक पोजिशन पे ऐसे रख दूंगा. ठीक है, आपको अभी अपना बायां हाथ भी यही पोजिशन में रखना है जो ये पोजिशन में है, तो आप रखिए उसको. ओके, वेरी गुड. ठीक है, तो दैट मीन्स इनका जो सेंस ऑफ पोजिशन है दैट इज़ प्रॉपरली फंक्शनिंग. ओके, ही नोस. ठीक है, ठीक है, रहने दो. ठीक है, तो ऐसे ही आपको, मतलब यू हैव टू लाइक ऐसे ऐसे देर तक ऐसे ऐसे घुमाना है, रुक रुक के एकदम आराम आराम से देर तक ऐसे घुमा के देन यू हैव टू प्लेस लाइक दिस एंड बोलना है कि आप अपना बायां हाथ भी वैसे ही करो, लेफ्ट हैंड भी वैसे ही करो, कौन से डायरेक्शन में. ठीक है, सो हिज सेंस ऑफ पोजिशन इज इंटैक्ट. ओके,
तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया. नाउ कम्स द सिक्स्थ पॉइंट. नाउ द सिक्स्थ पॉइंट हियर इज द रिकॉग्निशन ऑफ साइज शेप. ओके, ऑफ साइज शेप फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो पहले हम लोग साइज पे जाते हैं. इसको स्टीरियोग्नोसिस बोलते हैं. लाइक सब्जेक्ट्स आइज विल बी क्लोज्ड एंड उसको दिया जाएगा कोई सा भी चीज़ और उसको बताना है कि बताओ ये चीज़ क्या है. तो वो आँख बंद करके वो बताएंगे कि लाइक ये कौन सा चीज़ है. ठीक है, तो ही हैज़ टू बेसिकली फील दिस एंड उनको बताना अच्छा ये जो है ये कॉइन है. और फिर अगर आप उनको मोबाइल देते हैं या कोई पेन देते हैं तो वो बताते हैं हाँ ये जो है वो पेन है. ठीक है, ओके. तो अभी हम लोग स्टीरियोग्नोसिस प्रोसीड करते हैं. तो स्टीरियोग्नोसिस में आई बी गिविंग हिम सम डिफरेंट साइज एंड शेप के ऑब्जेक्ट्स दूंगा और उनको अपनी आँख बंद करके ही हैज़ टू बेसिकली डिटेक्ट. उनको वो परसीव करके बताना है कि हाँ ये जो है ये क्या है, ये कॉइन है, मोबाइल है कि पेन है. तो आई वोंट बी टेलिंग हिम दीज थिंग्स. उनको आँख बंद करूँगा और मैं बोलूँगा कि मैं अभी आपके हाथ में कुछ रख रहा हूँ. ठीक है, आपको बताना है कि वो क्या चीज़ है. ठीक है, तो आप बताइए ये क्या है. कॉइन. अच्छा ये कॉइन है. ओके, तो ये कॉइन ये क्या है. ये भी कॉइन है सर. अच्छा, तो ये जो आपने पहला वाला कॉइन बड़ा था कि दूसरा वाला बड़ा था. दूसरा वाला बड़ा था. ठीक है, तो ही इज़ एबल टू परसीव द डिफरेंसेज बिटवीन अ स्मॉल कॉइन एंड अ बिग कॉइन. मतलब साइज में ही कैन ईजिली है. फिर शेप में भी अगर लाइक शेप में भी ही हैज़ मतलब ही हैज़ सेड कि दिस इज़ लाइक दिस इज़ अ कॉइन. तो दूसरा भी हम लोग ऐसा पेन भी दे सकते हैं. ओके, तो व्हाट इज़ दिस, ये क्या है बताओ. सर ये पेन है. पेन है, अच्छा ठीक है, वेरी गुड. ओके, तो ही इज़ एबल टू रिकग्नाइज द साइज एंड शेप. ओके, ये क्या है बताओ. स्केल है. ओके, वेरी गुड. ठीक है, तो ये इसको स्टीरियोग्नोसिस बोलते हैं. तो स्टीरियोग्नोसिस इज ऑल्सो कैरीड वाया द डॉर्सल कॉलम पाथवे. ठीक है ना, तो पोस्टीरियर कॉलम से वो कैरी होता है. तो ही बेसिकली नोज ही इज एबल टू लाइक परसीव द साइज शेप एंड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. इसको स्टीरियोग्नोसिस बोलते हैं. ठीक है, सो वी हैव डिस्कस दिस. और स्टीरियोग्नोसिस अगर एबसेंट है, इफ़ ही इज अनएबल टू लाइक परसीव दिस, तो एबसेंस ऑफ स्टीरियोग्नोसिस को क्या बोलते हैं. ए स्टीरियोग्नोसिस बोलते हैं. ओके, तो ए स्टीरियोग्नोसिस बोलते हैं. एंड दिस इज सीन इन द डैमेज ऑफ पैराइटल लोब. कोई सा भी पैराइटल लोब होता है उसके डैमेज में बोलते हैं. नाउ कम्स लास्ट वन इज लाइक कि कोई भी एबनॉर्मल सेंसेशन लाइक क्रॉलिंग अगर कहीं हो रहा है तो कहीं जैसे इंसेक्ट क्रॉलिंग या ये सब चीज़ होता है. कोई एबनॉर्मल सेंसेशन है उसमें हम लोग पूछते हैं कि आपको ये सब छोड़ के कोई और कुछ ऐसा कोई महसूस हो रहा है, जैसे कीड़ों का चलना या ऐसा कुछ. कहीं ऐसा कुछ नहीं है. तो ही इज़ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मल सेंसेशन हियर. या कोई भी टाइप का आपको ऐसा अंदर से जैसे कुछ कीड़े रेंगते हैं या ऐसा टाइप कुछ कोई कुछ चुभा रहा है ऐसे बेगर छुए ऐसा कुछ महसूस होता है. नहीं, नहीं होता है. तो देर इज़ नो एबनॉर्मल सेंसेशन. एबनॉर्मल सेंसेशन इज सीन इन लाइक उसको पैरेस्थेजिया बोलते हैं. ठीक है, एबनॉर्मल सेंसेशन इज कॉल्ड एज पैरेस्थेजिया एंड दिस इज सीन इन पैराइटल लोब लेजन. सो गाइज, हियर वी हैव कम्प्लीटेड सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन. तो इसमें हम लोग ने आई होप कि आपको समझ में आया होगा. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट और थैंक यू सो मच, आपने हमारा साथ दिया. ठीक है, थैंक यू सो मच. ओके.